जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं भाई दूज के बारे में। साल 2023 में नवंबर में भाई दूज जो है वो कब मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहने वाला है, पूजा विधि और महत्व जो है वो क्या होगा, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि साल 2023 में नवंबर महीने में भाई दूज जो है वो कब पड़ रहा है, तो इस बार भाई दूज जो है वो 14 नवंबर को पड़ रहा है। भाई दूज का जो समय है वो 1:17 से लेकर 3:38 तक रहेगा और जो द्वितीय तिथि है वो आरंभ हो रही है 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर और द्वितीय तिथि का जो समापन है वो 15 नवंबर को दोपहर 1:47 पर हो रहा है। ऐसे में भाई दूज का जो त्यौहार है वो 14 नवंबर 2023 को जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि भाई दूज की पूजा विधि जो है वो क्या रहने वाली है, तो भाई दूज का त्यौहार जो है वो भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्यौहार माना जाता है। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त पर अपने भाई को टीका करती हैं, फिर उनकी आरती उतारती हैं, उनका मुंह मीठा करवाती हैं और भगवान से अपने भाई के लंबी आयु के लिए और जीवन भर सुखी रहने की प्रार्थना करती हैं। इसके बाद जो भाई हैं वो अपनी बहनों को उपहार देते हैं, पैर छूते हैं और इस प्रकार से भाई दूज का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। साल 2023 14 नवंबर को जो भाई दूज का त्यौहार है वो मनाया जाएगा। टीका करने का जो शुभ मुहूर्त है वो 1:17 से लेकर 3:38 तक रहेगा। इस बीच आप कभी भी तिलक जो है वो कर सकते हैं, टीका जो है वो अपने भाई का कर सकते हैं। पूजन सामग्री की अगर मैं बात करूं तो एक पूजा की थाली होगी, मिट्टी का दीपक होगा, तिलक के लिए रोली और चावल होंगे, साथ ही साथ श्रीफल जो है जो कच्चा नारियल आता है गरी का गोला वो लेना है, एक रुमाल लेना है, ताजे फूल लेने, मौसमी फल, पान सुपारी, मौली, एक छोटा सा कलश या जो कोई भी बर्तन है जिसमें कलश जो है वो बनाया जाए, उस प्रकार से आपको सामग्री जो है वो चाहिए है। अब अगर मैं बात करूं कि जो भाई दूज है वो कैसे मनाना चाहिए, तो देखिए सर्वप्रथम जो भी बहनें होती हैं उनको व्रत रखना चाहिए और उसके बाद ही अपने भाई का तिलक जो है वो करना चाहिए। हमारे यहाँ की परंपरा है, आपके यहाँ की क्या परंपरा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी थोड़ी दूरी होती है, जैसे यूपी हो गया, यूपी में बहुत सारे गाँव हो गए और वहाँ मान लीजिए ज़रा ज़रा सी दूरी में अलग अलग जो प्रथाएँ हैं वो चलती हैं, MP में अलग, मान लीजिए इस तरीके से जो जरा जरा सी दूरी वाले गांव होते हैं ना उस पर थोड़ा सा अलग नियम है और बहुत सारे विधान जो है वो अपने घर के हिसाब से होते हैं। हमारे यहाँ की क्या परंपरा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भाई दूज का त्यौहार आता है, दिवाली के बाद या होली के बाद जो भाई दूज का त्यौहार है वो मनाया जाता है, तो जिस दिन भाई दूज होता है उस दिन हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है। सुबह से ही भाई से हम लोग, मतलब हम लोग बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं कि सुबह से अपने भाई से बोलेंगे कि चलो जल्दी से नहा लो नहा लो नहा लो, फिर जो भाई दूज का त्यौहार है वो हम मनाएंगे। तो उसी प्रकार से सुबह से ही हम लोग जल्दी से नहा धो लेते हैं, उसके बाद हम लोग व्रत रखते हैं। उससे पहले हम चाय या पानी कुछ भी नहीं करते हैं, हम सर्वप्रथम बासी मुँह होके पहले अपने भगवान जी को टीका जो है वो करते हैं, उनको आरती उनकी उतारते हैं, उनको तिलक करते हैं, उनका भाई दूज जो है वो मनाते हैं, उसके बाद अपने भाई को जो है वो भाई दूज या रक्षाबंधन जो भी है वो मनाते हैं। तो हम शुरू से ऐसा देखते चले आ रहे हैं कि हमारे यहाँ का विधान है कि सुबह हम लोग बासी मुँह मतलब व्रत रखती हैं निराजली, और उसके बाद एक जगह होती है जहाँ भी साफ़ सफाई करते हैं, फिर उसमें आटे का जो रंगोली है वो बनाई जाती है, उसके ऊपर पटा रख के फिर भाई को बैठाला जाता है, फिर भाई के तिलक करते हैं, मीठा खिलाते हैं, आरती जो है वो उतारते हैं, उनको श्रीफल नारियल जो है वो देते हैं और जो भाई है उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद भाई जो है वो जो भी पैसे गिफ्ट जो भी देके पैर जो है वो छूते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो भाई दूज का त्यौहार है वो किया जाता है। उसके समाप्त हो जाने के बाद में जो भी बहनें हैं या हम लोग जो भी हैं उसके बाद भोजन जो है वो कर लेते हैं। पहले जब हम राखी बांधते हैं या हम पहले जब भाई दूज करते हैं तो पहले हम बासी मुँह ही मतलब व्रत कर रख के ही जो तिलक है वो करते हैं, उसके बाद भोजन जो है वो हम ग्रहण कर लेते हैं। जो भी त्यौहारों के हिसाब से भोजन
बनता है वो हम सब खा लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते हैं, बस उतनी देर तक व्रत रखते हैं जितनी देर तक भाई को तिलक ना हो जाए, बस उतनी देर तक जो व्रत है वो रखा जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या आपके यहाँ कैसा होता है, क्योंकि राजस्थान वगैरह में जो बहनें होती हैं वो पूरा भोजन बना के ले जाती हैं, अपने भाइयों को खिलाती हैं, अपने भाभीियों को खिलाती हैं, और पूरा परिधान मतलब कपड़े वस्त्र जूता चप्पल जो भी होता है वो सब लेके जाती हैं, और उसके बाद भाई दूज का जो पर्व है वो मनाती हैं। आपके यहाँ कैसा होता है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों, जय माता दी।